नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों कैसे हैं आप? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रहा है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के वेतन में जबरदस्त बढ़ोतर को लेकर। देखिए यहाँ पे NIOS वाले शिक्षकों के लिए क्या समस्या है, EWS के लिए, BEd के लिए, इंटर के लिए, जितने भी NIOS DLED वाले अभ्यर्थी हैं, EWS वाले हैं, BEd वाले हैं, इंटर वाले हैं, वो सभी शिक्षकों का समाधान इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक परीक्षा में सफल 90% शिक्षकों को मिलेगा पहला जिला, यानी अपने गृह जिला में ही आपको आपका पोस्टिंग होगा, पदस्थापन होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा कि आखिर इसमें कहा क्या जा रहा है। चैनल पर है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगामी अपडेट के लिए प्रधान शिक्षक से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिले। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे EWS के साथ क्या समस्या है। देखिए EWS वाले जो अभ्यर्थी हैं इनके बारे में अगर बता दूं मैं तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अभ्यर्थी बोल रहे थे कि 48 इसका गया है, 48 EWS महिला का 48 पे लिया है। तो 48 में से देखिए पुरुष का, जैसे कि बहुत सारे पुरुष बोल रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है और 48 यहाँ पे कट ऑफ गया है, तो महिलाओं का 48 है ये तो बात ठीक है, लेकिन इसमें से जो महिलाएं हैं इनका 450 लोगों का, मतलब 300 लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है और 450 उदाहरण के तौर पे समझिए, और 450 को शिफ्ट कर दिया गया है EWS पुरुष में। देखिए चूंकि देखा जाए तो ये होता है कि एग्जाम में 36 आरक्षण महिलाओं को मिलता है, तो पुरुष के सीट पे जब महिलाएं, अगर कुछ महिलाएं ऐसे हैं जो 48 से भी ज्यादा लाई हैं, तो जिनका 48 मार्क्स आया है उनका सिलेक्शन हो गया EWS के अंदर, और जो महिलाएं 48 से भी ज्यादा लाई हैं तो उनको पुरुष में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बात को समझिए। तो यहाँ पे ही बात है कि अगर महिलाओं का ज्यादा होता है मतलब सीट में से, तो पुरुष में उनको दे दिया जा सकता है, क्योंकि बिहार में 36 आरक्षण लगा हुआ है महिलाओं के लिए, तो EWS के पुरुषों के लिए इसी कारण से यहाँ पे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब यहाँ पे जब सर्वे किया गया तो पूछा गया कि अगर बताइए कि किनका 55, 56, 58 आ रहा है, तो कोई भी नहीं बता रहे हैं कि मतलब अपना डाल रहे हैं कि अगर आप भेजेंगे तभी ना पता चलेगा कि सच में आपका 55, 56, 58 आ रहा है और आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि न्यूनतम जो कट ऑफ है वो 48 है। जो महिला का 48 से पार है, जो महिलाएं 48 से पार हैं सभी के सभी पास कर गए हैं, लेकिन पुरुष को 60 मार्क्स, लेकिन पुरुष को आपको 60 मार्क्स लाना अनिवार्य है। 60 जो लोग लाए हैं उनका परिणाम आया है, उनका रिजल्ट आया है, लेकिन 60 जो नहीं लाए हैं उनका परिणाम नहीं हुआ है, उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। तो यह जो कट ऑफ BPSC ने जो दिया है वो सही दिया है, चाहे कोर्ट भी आप जाइए तो वहां पे आप केस नहीं जीत पाइएगा, पहला बात क्लियर हो गया, क्योंकि जो BPSC है ये 100% आपका सही दिया है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, ये कटअप में कोई भी दिक्कत नहीं है, ये BPSC जो है वो एकदम सही दिया हुआ है, और चाहे आप कोर्ट जाइए तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि BPSC सभी चीजों को देख परख के ही रिजल्ट जारी करता है। तो EWS वाले साथियों को पूरी, मतलब जो EWS वाले साथी हैं उनको अब क्या करना चाहिए, देखिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो यहाँ पे इस कारण नहीं हुआ कि महिलाएं जो है आपके सीट पर चली गई। ठीक है, क्योंकि जो 48 वाले पार कर रहे थे, 48 से भी ज्यादा नंबर जो लाई थी महिला, उनको वहां शिफ्ट कर दिया गया तो उन लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो यहाँ पे 36 आरक्षण के नियम के तहत यहाँ पे पुरुष वाले शिक्षक को उदास होना नहीं है। पुरुष वाले जो भी शिक्षक साथी हैं वो क्या करें, 2.0 का आ रहा है, 6 महीने के अंदर आपका जारी कर दिया जाएगा, 6 महीने में आपका एग्जाम दिया जाएगा, सभी लोग जम के तैयारी कीजिए, उसके बाद आप प्रधान शिक्षक बनिएगा। ठीक है, प्रधान शिक्षक बनिएगा फिर अपना कार्यभार संभालिएगा। तो यहाँ पे जिनका लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब कोर्ट भी आप जाइएगा तो वहां से आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो BPSC है ये 100% यह सही दी है, जो मैं जो आपको बता रहा हूं ये मैं आपको बता दिया हूं। ठीक है, अब यहाँ पे बात निकल के आती है कि प्रधान शिक्षक, तो EWS तो सीट जो है वो पुरुष, जो EWS का जो सीट है वो पुरुष के सीट पे महिलाओं का हुआ चयन। ठीक है, यहाँ पे बात क्लियर है EWS वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो अब घबराने जरूरत नहीं है, जाइए आराम से, 2.0 का फिर से आ रहा है
उसमें सिलेक्शन पाइए, अपना तैयारी कीजिए। अब NIUS DLED के अभी बहुत सारे शिक्षक साथी हैं वो क्या कहते हैं सो देखिए। NIUS DLED वाले जो शिक्षक साथी हैं, ये अफवाह फैला रहा है बहुत लोग कि NIUS वाले को नहीं लिया जाएगा। अब भाई NIUS वाले को कैसे नहीं लिया जाएगा, NIUS DLED का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि अब NIUS DLED वैलिड नहीं रहा है। ये आपका 23 अगस्त कुछ डेट है और आपका 2023 में आया था कि 38 पेज का सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया कि पूरा भारत में NIUS DLED इनवैलिड कर दिया गया है। तो अब उनका सर्टिफिकेट को कहीं मान्य नहीं किया जाएगा। तो TRE1 में दिया गया था, TRE2 में भी दिया गया था, लेकिन TRE2 में रिजल्ट जारी नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उसी समय आपका इसका आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का। TRE3 में तो भरने का मौका ही नहीं दिया गया। और आप लोग तो बहुत 2022 से नियुक्त है, बहुत पहले से आप लोग नियुक्त है, 8 वर्ष का आप लोगों के पास अनुभव है, 8 वर्ष का अनुभव है आपके पास, इसलिए आपको NIUS DLED से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास 8 साल का अनुभव है, तभी ना आप प्रधान शिक्षक का फॉर्म फिलअप करके एग्जाम दिए हैं। तो यहाँ पे किसी के बहकावे में बताइए, अच्छे तरीके से काउंसलिंग करवाइए जाके, आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब बीएड वाले जो 1-5 है वो कैसे जाएंगे, ठीक है, तो बीएड का बताते हैं। प्रधान शिक्षक में प्राथमिक विद्यालय के लिए 1-8 होता है, चूंकि ध्यान रखिएगा प्राथमिक विद्यालय के लिए, प्राथमिक विद्यालय के लिए 1-8 होता है, चाहे आप डीएलएड हो या फिर बीएड हो, सभी की योग्यता जो है वो 1-8 के लिए आपका मतलब होता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई अड़चन आपका पैदा नहीं करेगा काउंसलिंग के समय, आप आराम से जाइए बीएड का जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बीएड वाला जो समस्या है ये भी समाधान हो गया आप लोगों का। देखिए अब अड़चन तो कोई नहीं होगा, आराम से जाइए काउंसलिंग करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब जो हम देखेंगे यहाँ पे, अब देखेंगे इंटर वाले के लिए, जो इंटर वाले शिक्षक साथी हैं वो क्या करें। देखिए इंटर अभी बहाली 1-5 के लिए हो रही है, 1-5 के लिए अभी बहाली हो रही है। तो अगर आप 8 वर्ष का अनुभव प्राप्त किए हैं, 8 वर्ष का अगर आप अनुभव प्राप्त किए हैं तो आपको आरक्षण नहीं है, लेकिन इसी में 1-5 के विद्यालयों में जाना होता, मिडिल क्लास में जाना होता, तो इसमें स्नातक रखा जाएगा, ठीक है। यानी अगर इंटर वाले के लिए तो 1-5 है, क्योंकि यहाँ पे 1-5 वाले के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, इंटर वाले के लिए। लेकिन वहीं अगर आप जाना चाहते हैं 1-8 के लिए, तो उसके लिए आपको स्नातक चाहिए होता, स्नातक नहीं रहता तो आप कैसे भर सकते थे फॉर्म, ठीक है। तो इंटर वाले भी सेफ हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे तरीके से करवाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी के अफवाह में मत रहिए कि हमारा इंटर है तो हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे पेमेंट का बात। देखिए पेमेंट जो है ना, बहुत अभ्यर्थियों के लिए बहुत 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 अच्छी खबर और खुशखबरी निकल के आ रही है कि पेमेंट जो है वो क्या किया गया है पेमेंट के बारे में। देखिए पेमेंट जो है वो खुशखबरी है कि पेमेंट का जो बात है वो सत्य है, लेकिन बढ़ने का जो बात है वो वित्त विभाग से लिया जा रहा है। 20 से 25% मूल वेतन है और विद्यालयों में हेड मास्टर पर दायित्व रहता है। अब यहाँ पे EWS यहाँ पे सबसे पहले बात आ रहा था कि 30,500 आप लोगों का दिया जाएगा वेतन, लेकिन प्रधान शिक्षक जो अभ्यर्थी रहते हैं, मतलब विद्यालय में जो शिक्षक रहते हैं हेड मास्टर, उनका दायित्व रहता है, उनपे प्रेशर बना रहता है कि वो अच्छे तरीके से स्कूल का संचालन करते हैं। और वो क्या करते हैं, 9 बजे से लेकर उनको 4 बजे तक छुट्टी मिलता है, पूरा स्कूल का देखभाल उन्हीं के जिम्मेदारी रहती है, उनके पास ज्यादा पावर होना चाहिए। पैसा नहीं मिलेगा तो काहे का वो प्रधान शिक्षक, सो बात बताइए, अगर पैसा नहीं मिलेगा ज्यादा तो काहे का प्रधान शिक्षक, वृद्धि तो होगा ना, तो आपका पेमेंट में वृद्धि होगा, क्योंकि पूरा दायित्व हेडमास्टर पर रहता है। अब हेडमास्टर का ही पैसा कम रहेगा तो कैसा आप प्रधान शिक्षक है, इसलिए आपका जो मोटिव रखा गया है प्रधान शिक्षक का वो वृद्धि होगा, उसमें टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। अब पैसा थोड़ा चाहिए तो पैसा तो बढ़ाएगा ही, ठीक है। तो इनको सम्मान वेतन मिलना चाहिए यहाँ पे कहा गया है, और जनवरी में वृद्धि हो जाएगी आप लोगों का, ठीक है। जनवरी में आप लोगों का वृद्धि हो जाएगी, आप लोग चिंता मत कीजिए, जनवरी में आप लोगों का पेमेंट में वृद्धि होगा, और जनवरी से फरवरी तक, और 1 जुलाई से लागू हो सकता है 2025 में। 1 जुलाई 2025 में आप लोगों का लागू हो जाएगा आप लोगों का जो पेमेंट है उसका, ठीक है। पेमेंट आपको कितना मिलेगा ये आपका लागू कर दिया जाएगा।
तो दोस्तों आज मैंने जो आपको बताया ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया कि ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी क्या करें, एनआईएस वाले क्या करें, बीएड वाले क्या करें, इंटर वाले क्या करें, पेमेंट क्या रहने वाला है। अब आप तैयारी जिसका कीजिए वो कीजिए प्रधान शिक्षक 2.0 का। एनआईएस डुएलएड वाले के लिए कुछ नहीं होगा, आराम से जाइए एकदम डीवी अपना करवाइए। जो भी एनआईएस डुएलएड वाले शिक्षक साथी हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि 2.0 में जो भर्ती आ रही है उसका प्रैक्टिस सेट आपको मिल सके, वो भी निःशुल्क। मैं आपको बताऊंगा निःशुल्क कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, सभी चीजों के बारे में कमेंट कीजिएगा। तो बीएड वाले भी बढ़िया से करवाइए, इंटर वाले भी काउंसलिंग बढ़िया से करवाइए, और पेमेंट जो है इसका बात जो है बता ही दिया। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको बताया वो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से रिलेटेड टॉपिक बताया कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। दोस्तों एनओसी जरूरी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूरी है, ये बनवा लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट के जो बीओ साहब होते हैं वहां जाके आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने आपको प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के बारे में बताया। चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक।